हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कैरेक्टर बनाना सिखाऊंगा, कैरेक्टर की ट्रेसिंग करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये एडोबी एनिमेट ओपन कर लेते हैं। ये मैंने एडोबी एनिमेट ओपन कर लिया है और यहाँ पर देखिए ये कुछ कुछ ड्राइंग मैं गूगल से उठा लिया हूँ। ये सब आप इस तरह से गूगल से भी उठा सकते हैं और अपने हाथ से अगर आता होगा आप लोगों को तो आप लोग इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है, ड्राइंग बना सकते हैं। उसके बाद उस ड्राइंग का इस तरह से अपने इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं, एडोबी एनिमेट सीसी में इंपोर्ट करके उसको इस तरह से ट्रेसिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये गूगल से उठाया हूँ, ये मैं गूगल से उठा लिया हूँ, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, बनाते समय तो इसमें थोड़ी थोड़ी चेंजेस कर देंगे, इस वजह से हमें कॉपीराइट नहीं आएगा, ठीक है, कॉपीराइट नहीं होगा ये, ठीक है। हम इसमें थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है, तो इससे कॉपीराइट नहीं होगा, ठीक। तो सबसे पहले हम ट्रेसिंग करना शुरू करते हैं। तो देखिए ये भी पूरा बॉडी नहीं है, इसका भी पूरा बॉडी नहीं है, इस कारण हम इसका बॉडी नहीं इसका बॉडी बनाते हैं और इसका फेस बना देंगे, ठीक है। इस ये वाला जो ड्राइंग दिख रहा है, ये वाला ड्राइंग, इसका हम फेस बनाएंगे और इसका बॉडी बनाएंगे। ये वाला दिख रहा है, देखिए पूरा बॉडी है इसका, ठीक है, इसका बॉडी बनाएंगे, इसका फेस बनाएंगे, इस तरह से ये डिफरेंट हो जाएगा और हमको कॉपीराइट नहीं आएगा, ठीक है, कॉपी नहीं होगा ये किसी भी तरह से, ठीक है। तो चलिए इसको डिलीट कर देते हैं सबसे पहले और इसको ट्रेसिंग करना स्टार्ट करते हैं। इसको लॉक कर देते हैं, लॉक कर दिए, नया ले लिए, सीधा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है अपने। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो पेन टूल यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप अपने कीबोर्ड पर पी दबाएंगे, पी प्रेस करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस तरह से किए, इस तरह से इसके गर्दन बनाएंगे इस तरह, इस तरह, इसको इस तरह से रोटेट करेंगे, ठीक है। आपको पेन टूल चलाना नहीं आता तो मैं इसका वीडियो भी बनाया हूँ पेन टूल का, देख लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से चलाना उसमें सिखाया हूँ। आज देखिए इसका बॉडी बनाएंगे यहाँ से, इतना इसको इस तरह से वो करेंगे, इतना इस तरह से। इस तरह से इसका बॉडी बनाएंगे इसमें और वी प्रेस करेंगे, फिर पी प्रेस करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ आएंगे, क्लिक किए, इसको हाफ राउंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ फुल राउंड बनाएंगे यहाँ तक, इस तरह, फिर पी प्रेस, वी प्रेस किए, फिर पी प्रेस करेंगे, ठीक है, फिर हाफ राउंड बनाए इस तरह, फिर यहाँ से फुल राउंड, फिर वी प्रेस करेंगे, फिर पी प्रेस किए, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, आप कलर कर देते हैं, तो जो कलर है वही अभी फिलहाल डाल देते हैं, इस तरह से जो कलर है उसी कलर को हम फिल कर देते हैं, वाइट कलर इसे फिल कर देते हैं, आई प्रेस किए, फिल किए इस तरह, ठीक है। और इसको क्या किए, हाइट कर दिए, हाइट करते जाएंगे, ठीक है, बनाते जाएंगे, लॉक करते जाएंगे, हाइट करते जाएंगे और नया लेयर लेते जाएंगे। तेरे ये हो गया, अब इसका ये बनाएंगे पल्लू सामने का, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, इस तरह ट्रेस करेंगे, इस तरह,
हाँ वी प्रेस किए इस तरह से, अब और पी प्रेस करेंगे, पी प्रेस करने के बाद यहाँ क्लिक किए इस तरह, ये थोड़ा उधर हो गया, तो पी प्रेस की वी प्रेस करके इसको इधर ले आएंगे इस तरह से, इसको इतना कर दिया ठीक। फिर पी प्रेस किए, फिर यहाँ क्लिक करेंगे, बड़ा नहीं लेंगे ज़्यादा, यहाँ छोटा लिखते हैं इतना 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 ठीक है। इसके बाद यहाँ इस तरह, इस तरह बना लेंगे इसको, इसमें भी कलर फिल कर देंगे। आई प्रेस करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, फिर आई प्रेस किए, फिर डबल क्लिक किए, फिर आई प्रेस किए, फिर डबल क्लिक किए, ठीक है। ये भी हो गया अपना, बन गया, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे और लॉक कर देंगे। नया ले लिए, देखिए इसमें जो है ना, ये कमर का पार्ट जो है इसको थोड़ा नीचे लाएंगे, ठीक है। अभी इसको रहने देते हैं, नया ले लेते हैं, नया ले लिए, हैंड बनाएंगे अब। यहां से बनाना स्टार्ट करते हैं इस तरह से, ठीक है। वी प्रेस करके इसको क्या कर देंगे इस तरह से, वो कर दिया ठीक। और पी प्रेस करेंगे इस तरह से, इतना आई प्रेस किए, आई प्रेस किए इस तरह से कलर फिल कर दिए, फिर पी प्रेस किए, पी प्रेस करने के बाद यहाँ देखिए ये कंट्रोल जेड करना है इसको, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ से इस तरह, कुछ भी करता है तो वापस कंट्रोल जेड कर लेना है ठीक है। बस इधर इतना इस तरह से, वी प्रेस किए, पी प्रेस किए, इसमें कलर भर देंगे। नहीं अभी तो इसको बनाना बाकी है, तो इसको पी प्रेस करके
वीपी अभी बिगड़ता है तो इसको क्या करेंगे, वी प्रेस करके इस तरह से अपन ठीक कर सकते हैं। इस तरह से डिलीट कर दिए, इसको भी डिलीट कर दिए, हल्का नीचे कर देंगे इसको। तो देखेंगे जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। तो पूरा हैंड जो है इसमें बना हुआ है। लेकिन ये वाला लाइन जो है इसमें चला गया, ठीक है, इसमें आ गया है, तो हम ये वाला लाइन को भी इसी में बनाते हैं। इसको डिलीट कर देते पहले, तो अपन इसको डिलीट किए, पी प्रेस किए, यहाँ से इस तरह से इतना किया, ठीक। देखिए अगर ये वापस वी प्रेस नहीं करेंगे तो इस तरह से होगा, ठीक है। तो हम वापस वी प्रेस किए, अभी भी इसमें चला गया, तो इसको क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं। ये वाले लाइन में आते हैं अपन, पी प्रेस किए इस तरह से, फिर वी प्रेस करेंगे, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। एक हैंड बन गया, उसके बाद डबल नया लेयर लिए इसको फिल कर देंगे, ठीक है। पहले तो हम इसको फिल कर देते हैं कलर, इस तरह से कलर फिल कर दिए, उसके बाद नया लेयर लिए, इधर नया लेयर लिए, इसको लिए, ये वाला लेयर को लॉक किए, लॉक करने के बाद नए लेयर में हैंड बनाएंगे, ये वाला हैंड, ठीक है। पी प्रेस करेंगे, इस तरह से वी प्रेस करेंगे, तो देखेंगे यहाँ पर टूटा है, इसको इस तरह से मिला देंगे, इस तरह से मिल गए, इसको भी हल्का सी इधर मिला लेंगे, पी प्रेस करेंगे, पी प्रेस करने के बाद इधर इस तरह से इसमें कलर भर देंगे, ठीक है। आई प्रेस किए, डबल क्लिक किए, इसमें भी आई प्रेस किए, डबल क्लिक, वावा जेड करेंगे, आई प्रेस किए इस तरह से, ठीक है। अभी हम ब्लैक एंड वाइट ही भर रहे हैं, उसके बाद में कलर करेंगे इसको। यहाँ से पी प्रेस किए, एफ जेड करेंगे, फिर से वी करेंगे, पी प्रेस किए, मैं इतना इस तरह से, इस तरह से। ये अगर आपके उसमें है ना, जितना अच्छा पेन टूल आता है आपको चलाना है, इतना ही अच्छा आप ड्राइंग बना पाएंगे, ठीक है।
इस तरह से ये इसका हैंड बनाएंगे। देखिए इसको यहाँ ना करके सीधा ही यहाँ कर देते हैं इस तरह। अब इसमें आते हैं, री प्रेस करेंगे, पी प्रेस करेंगे, फिर से यहाँ क्लिक किए इतना, फिर वी प्रेस किए, पी प्रेस किए इतना, वी प्रेस किए, पी प्रेस किए इतना, वी प्रेस किए। अब जी देखिए जो बचा है उसको इस तरह अपन डिलीट कर देंगे और इसको हल्का हल्का इस तरह से कर देंगे तो इसका हैंड जो है बन जाएगा। ठीक है, ये इसका हैंड बन गया इस तरह से। कुछ नहीं करना है, बस ट्रेसिंग करना है और इसको अलग कलर चेंज कर देना है। इसके बॉडी के कलर जो अलग करेंगे हम, अभी ऐसे फिलहाल ब्लैक एंड वाइट भर रहे हैं इसमें। अब इसका हैंड बन गया, अब क्या बनाएंगे, साड़ी। ये भी बन गया, ये भी बन गया, अब ये साड़ी बचा इसका। साड़ी बनाएंगे तो नया ले लेंगे, नया ले लेने के बाद पी प्रेस करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसका साड़ी को, इधर से इस तरह। यहाँ से अब राउंड राउंड बनाएंगे, देखिए इस तरह से। वैसे इसको पहले क्लिक कर लेते हैं, डबल क्लिक हो गया, इसी में क्लिक करना है, इसी में इधर है इस तरह से। इधर चलते हैं ऊपर, उसके बाद नीचे वाले ये वाले लेयर बाद बनाएंगे इसको, पहले हम इसको साड़ी को पूरा बना लेते हैं। ये बना लिए, उसके बाद वी प्रेस करेंगे, वी प्रेस किए, पी प्रेस किए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पी वी प्रेस इस तरह इस तरह। ठीक है, अब इसको बीच में वो डिवाइड भी कर देंगे इस तरह से, पी प्रेस किए इस तरह डिवाइड किए, फिर भी फिर भी देखिए ये जो है गलत हो रहा है। ठीक है, इसको पहले वी प्रेस करना पड़ेगा, फिर पी प्रेस किए, यहाँ किए, यहाँ किए, ऑटोमेटिक मिल जाएगा। वी प्रेस किए, कैमरा आ गया, देखिए सी दबाया तो कैमरा आ गया। इससे अच्छा हम वी प्रेस करेंगे, इस तरह से बाकी बचे को इस तरह डिलीट कर लेंगे। इस तरह डिलीट हो गया, अब इसमें हम कलर फिल कर देते हैं। आई प्रेस किए, आई प्रेस किए, आई प्रेस किए, आई प्रेस किए। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ये वाली जो साड़ी का जो होल्डिंग दिख रहा है ना, ये बनाते हैं। चलिए ठीक है, पी प्रेस किए
छोटा कर लेते हैं थोड़े, इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ से क्लिक किए, यहाँ से किए, ठीक है, वी प्रेस करके हल्का से इस तरफ ऐसा कर दिए, इसको भी हल्का सा इधर कर दिए, उसके बाद फिर बी प्रेस, पी प्रेस करेंगे, फिर यहीं पर क्लिक किए, वी प्रेस किए, दोनों को इस तरह मिला दिए, इतना गैप रहने देते हैं, इसको क्या है पेन टूल दबा करके इस तरह मिला देते हैं। तो ये कलर फिल हो जाएगा, ठीक है। फिर बी प्रेस किए, फिर पी प्रेस करेंगे, फिर यहाँ से एक बी प्रेस किए, इसको हल्का सा इधर बेंड कर दिए, ठीक, पी प्रेस किए, फिर वी प्रेस किए, फिर पी प्रेस करेंगे, पी प्रेस, वी प्रेस करेंगे, इस तरह से अपन इसको कर देंगे। इतना ठीक है, फिर वी प्रेस करेंगे, फिर पी प्रेस किए, फिर वी प्रेस किए, फिर पी प्रेस किए, वी प्रेस किए, पी प्रेस किए, वी प्रेस किए, पी प्रेस किए, वी प्रेस करेंगे, ठीक है। जो बचा है इसे सेलेक्ट करेंगे इस तरह से, जो बचा है उसको डिलीट कर देंगे इस तरह से, इसको भी डिलीट कर दिए इस तरह से, सभी को डिलीट कर देंगे। अब इसमें कलर फिल कर देंगे, आई प्रेस किए, इसका हैंड का कलर आ गया, साड़ी का कलर भरना है हमको ये इस तरह से, इसमें आई प्रेस किए, इस तरह से भरा जाएगा। इसको हाइट करेंगे, इसका ये वाला नहीं बनाया ना साड़ी का, ये वाला हिस्सा जो है नहीं बना है अभी तक, आई प्रेस किए इस तरह से, देखिए। अब हम क्या करते हैं, सभी को हाइट किए उसको अनहाइट करते हैं, अनहाइट किए इस तरह से, तो ये इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो हमको अरेंज कर लेते हैं इसको, जैसे कि पहले बॉडी होना चाहिए, ऊपर में बॉडी होना चाहिए, तो सबसे पहले हम बॉडी को सेलेक्ट कर अनलॉक करते हैं, ठीक है। अनलॉक किए, बॉडी को सेलेक्ट किए, बॉडी को सेलेक्ट कर ऊपर ले आया, ठीक है, इस तरह से ऊपर ले आएंगे, और ये पल्लू ऊपर आया, देखिए पल्लू ऊपर आया, ठीक है। इस हैंड को नीचे ले जाएंगे, ये वाला हैंड को इस तरह नीचे ले जाएंगे, इस तरह इसको नीचे ले गए, इसको एडजस्ट कर दिया, ठीक है। इस तरह से ये भी हैंड को ऊपर ले आएंगे, ये वाला हैंड को इस तरह, ये वाला हैंड को नीचे ले जाएंगे, इस वाला हैंड को ऊपर लाएंगे, ठीक है। ये वाला हैंड को ऊपर लाएंगे, ये वाला हैंड को इतना ऊपर लाए, इस तरह से इसका साड़ी का ट्रेसिंग हो गया है, ठीक है। इस तरह हमने बना दिया इसको। अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इस कारण हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो है इसका फेस वगैरह है अगली वीडियो बनाएंगे। तो आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बगल के बेल आइकन को भी प्रेस करें।